Hey, hi friends! Welcome back! Namma channel igai, amare channel ko, to our channel. So, from Kabini, we started going ahead. To Kabini se nikal ke hum log towards Wayanad nikal pade. Wayanad, Kerala mein aata hai. Chalta. This was almost 100 meters या 150 meters resort से 150 meter के अंदर ही था, ज़्यादा दूर नहीं था. So this is our resort where we are going to stay. When I say our, Now entry. ये जो रिजॉर्ट है, द वे इट इज लोकेटेड, बाप रे, एकदम खतरनाक, एकदम आइलैंड के सामने पूरा लेक व्यू. और वो भी आप जब स्विमिंग पूल में उतरोगे तो डायरेक्ट व्यू है, और हमारे रूम से भी डायरेक्ट व्यू था. और व्हाट कैन आई से, यू कैन सी इट हियर बाय योरसेल्फ. आप लोग देख सकते हो कि क्या ब्यूटीफुल सीन है यहाँ पे. अगर मेरे कैमरे में फ़ोन का कैमरे से किया हुआ वीडियो है ये, इसमें ही ऐसे दिख रहा है, तो आप सोचिए आप जब जाओगे यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल रहेगा. सो आई रेकमेंड कॉन्टोर रिजॉर्ट आइलैंड स्पा, कॉन्टोर आइलैंड रिजॉर्ट एंड स्पा, दैट्स द राइट वे टू टेल इट. आप यहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए एंड लेट मी नो हाउ डिड यू फील इन माई कमेंट्स. एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मस्त लगेगा ये प्लेस. दूसरा चीज़ है कि यहाँ का स्टाफ मुझे बहुत अच्छा लगा. दे वर वेरी अकोमोडेटिव, और हमारे थोड़े से जो भी चेंजेस वगैरह थे उन लोगों ने अकोमोडेट किया, और एडवाइजेस भी बहुत सारा दिया उन लोगों ने, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए. दिस इज़ एन अल्टीमेट प्लेस एंड अल्टीमेट व्यू. आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू डिस्क्राइब दिस इन वर्ड्स एंड इन माय कैमरा, बट वंस यू कम हियर यू विल सी द डिफरेंस. This is the lake view. ये lake view वाला यहाँ विला है या रूम है जिसे बोलो. जैसे आप अंदर आओगे तो ब्यूटिफुल बेड है, वहाँ पे बैल्कनी है जो कि एकदम मस्त lake view देता है, और फिर मिस्ट के साथ भी. तो ये वार्डरोब सेक्शन है, बाथरूम. सो दिस इज आवर विला, देख सकते हैं. जो हमारा तो ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर भी एक और फ्लोर है, तो ये अपना फ्लोर ग्राउंड वाला. यहाँ पे बैठता हूँ मैं फिलहाल. आपको इस तरफ ये है सिट आउट एरिया हमारे विला का. दो विला लिए तो फ्रेंड्स आए, तो हमने ये वाला लिया है और एक और उधर है. तो लोकेशन बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है जैसे मैंने कहा.
एंड बहुत सारे विलाज है, लेक व्यू है, सुपीरियर है। सो डिटेल्स मैं जितना हो सके मेरे तरफ से लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली बात कर लीजिएगा कॉन्टोर आइलैंड रिजॉर्ट से। आई डोंट नो व्हाट दी ऑफर्स आर, हमको तो अच्छे डील में मिला और उन्होंने अपग्रेड भी करके दिया यहाँ आने के बाद। सो दैट इज़ ऑन देयर विश, देयर इज़ नो सच एग्रीमेंट। तो उनके हिसाब से उन लोगों ने मेरे को अरेंज करके दिया हम लोगों को। बहुत अच्छा लगा हमको जेस्चर, बारिश के बाद देखिए ऐसे दिख रहा है, बारिश हो गया था उसके बाद थोड़ा ऐसा है, देख सकते हैं कैसा दिख रहा है अभी। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए वी वेंट फॉर बोटिंग, वायनाड मानसून और बोटिंग, डेडली कॉम्बिनेशन। सो फ्रॉम बानासुरा डैम हम लोगों को प्लान था जिप लाइन, तो हम लोग चले गए वाइत्री जहाँ पे मस्त जिप लाइन एक्टिविटी है, एडवेंचर। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा टी एस्टेट है और इसके ऊपर जिप लाइन आएगा, देखिए आगे ये पूरा ही टी एस्टेट है। और उधर जिप लाइन है, इस तरफ पूरा टी एस्टेट है, तो जिप लाइन जब करोगे आप पूरा टी एस्टेट के ऊपर से जाओगे। वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आई बिलीव, अब हम भी करने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए लेकिडी या लकड़ी वायनाड, ये यहाँ पे अल्ट्रा पार्क है। इस अल्ट्रा पार्क में बहुत सारे एडवेंचर स्टफ़ है, जैसे कि बंजी जंपिंग, स्काई वॉक, बाली स्विंग और या स्काई वॉक वॉज वन ऑफ द थिंग्स मुझे अच्छा लगा, और लाइट मानसून बारिश की वजह से तो और भी बड़ा मज़ा आया। उसके बाद आप आके इधर डांस कर सकते हैं, हमको ये रेन डांस हो गया फॉर्चुनेटली, तो वो व्यू पॉइंट भी था, फन भी था और बहुत सारे स्विंग्स ये वो दे करने के लिए अच्छा प्लेस है। यू कैन कैरी योर किड्स एंड योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स और किड्स के साथ जा सकते हैं, बहुत रिकमेंडेबल प्लेस है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव नॉर वेरी चीप। मैंने रेट्स यहाँ का नोट डाउन नहीं किया है, देखता हूँ अगर मुझे ऑनलाइन कुछ मिल गया तो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पे क्योंकि मैं एक बैड डांसर हूँ तो थोड़ा सा डांसिंग वांसिंग भी किया है, उसका वीडियो आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगा। और वहाँ से फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया और हम वहाँ से आगे बढ़े कुरुम्बल कोटा, ये एक व्यू पॉइंट है अनदर। ट्रैकिंग करके जाना पड़ा, तो पहले आपको जीप लेना पड़ता है, ऑलमोस्ट 400 मीटर्स टू ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको जीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि रोड्स ख़राब है, ट्रैकिंग का एरिया है तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद में आपको ट्रैक करना पड़ेगा फॉर ऑलमोस्ट 500 मीटर्स टू 700 मीटर्स, जो कि आपको ट्रैकिंग के समय 1 किलोमीटर जैसे लग जाता है। उसके बाद आपको ये व्यू मिलेगा जो कि माइंड बॉबलिंग है एंड ब्यूटीफुल है, बट सनी टाइम में जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा सनस्क्रीन ये वो लगा के जाइए, क्योंकि हमारे टाइम पे तो बारिश था बट जब वो धूप आया फॉर 15 मिनट्स हमको लगा कि अरे बाप रे, या सनी टाइम पर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
उसी के साथ हम लोगों ने एंड किया अपना ट्रिप और वापस मुड़ गए बेंगलुरु के लिए या बेंगलुरु के लिए, राइट। कर्नाटका का एंट्रेंस ये नागरहोड़े है। तो यस, वी आर डन विथ आर ट्रिप फॉर दिस टाइम। फिर से आएंगे किसी और व्लॉग के साथ। फिलहाल के लिए थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये थोड़े फोटोज़ है जो हमने लिया था, तो थॉट टू शेयर विथ यू ऑल। बाय बाय डियर फ्रेंड्स।